गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकान बुटीक। और आज के इस वीडियो में हम बेल स्लीव बनाएंगे। और ये स्लीव बनाने के लिए हमने 1 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है। एंड गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो डोंट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और ये डबल फोल्ड है। इसकी लेंथ 39 इंचेस है एंड विड्थ 26.5 इंचेस है। अब हम इसको इस तरह से फोर फोल्ड करेंगे। तो मैंने इसे फोर फोल्ड कर लिया है। ये इसका ओपन साइड है और ये इसका क्लोज साइड है। सो गाइस, नॉर्मल स्लीव की मार्किंग हम क्लोज साइड से करते हैं कुछ इस तरह, पर इस स्लीव की मार्किंग हम ओपन साइड से करेंगे। तो इंच टेप को ओपन साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रखेंगे और 10 इंच पर मार्क करेंगे। देन 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और ओपन साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अगेन 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इस तरह से नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, यहाँ से 11 इंच तक के स्टिच होगा और नीचे से ये ओपन रहेगा। हम इसे शोल्डर से एल्बो तक स्टिच करेंगे। तो यहाँ से 11 इंच तक मार्क करेंगे। अब हम फिटिंग का मार्क करेंगे तो 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। और 7 इंच पर लूजिंग की मार्किंग करेंगे और इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब हम इंच टेप को इस तरह रखकर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इस तरह हमने स्लीव की मार्किंग कर लिया है। और इस तरह स्लीव को आउटर लाइन से कट कर लेना है और यहाँ से ये जॉइंट रहेगा। और इस वाले मार्क को कट नहीं करना है और नीचे से ये ओपन रहेगा। एंड स्लीव के बॉटम की विड्थ 30 इंचेस है। आप चाहे तो इसे नीचे से राउंड शेप में कट कर ले, हम इसे एज इट इज रहने देंगे। सो नाउ अब हम स्लीव को कट करेंगे। तो गाइस देखिए, हमने स्लीव को कट कर लिया है। अब हम दोनों स्लीव को सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए, ओपन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब देखिए, यहाँ से जो हमने 11 इंच तक मार्क किया था, इस मार्क तक 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। और स्टिच करने के बाद इसकी बॉर्डर्स को फोल्ड करेंगे। सो गाइस, अब हम स्लीव को स्टिच करेंगे। सो लेट्स मूव टू स्टिच। तो इस मार्क तक हमने इसे स्टिच करना है। तो देखिए, 11 इंच तक हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम मार्क पर लिटिल बिट कट लगाएंगे और इस तरह से बॉर्डर्स को फोल्ड करेंगे। Thank you.
साइड्स की तीनों बॉर्डर्स को फोल्ड करना है। इस तरह हमने बॉर्डर्स को फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव को आर्म होल में स्टिच करेंगे। तो देखिए ये ब्लाउज का सेंटर है और ये स्लीव का सेंटर है। तो दोनों के सेंटर्स को मैच करके राइट साइड पर राइट साइड को रखकर दोनों को स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है। सेम मेथड से दूसरी साइड पर भी स्लीव को अटैच कर लेंगे। सो गाइस देखिए मैंने स्लीव पर फिटिंग की मार्किंग कर लिया है। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और एल्बो के पास से ये जहां तक ओपन होगा वहां तक हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। तो मैंने स्लीव पर फिटिंग की सिलाई लगा लिया है और स्लीव के बॉटम में टेसल वाली लेस लगाएंगे। तो मैंने स्लीव के बॉटम में लेस को स्टिच कर लिया है एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। सो गाइस वेरी इजी वे में मैंने बेल स्लीव बनाई है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आल्सो इनेबल द बेल आइकॉन बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल मेकान बुटीक सो दैट कैन गेट आवर अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन फर्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।